टुडेज टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर ये आपके बुक का पेज है और इसके ऊपर ये हेडिंग जो है कुछ इस तरह से है, न्यूट्रिएंट अपटेक बाय प्लांट्स रिक्वायर ट्रांसपोर्ट ऑन द ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस रूट सेल मेम्ब्रेन। लेकिन आप इसको करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले रूट्स में एब्जॉर्ब हों और रूट की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करते हुए प्लांट के अपर साइड पे मूव करें और फिर प्लांट के सब पार्ट्स में ये जाएं। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को जो चीज़ क्रॉस करनी होती है वो होती है रूट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट सारा मटीरियल लिखा हुआ है ये आपने नहीं करना। एंडिंग पे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं मूवमेंट के, जो के हैं सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तीनों मेथड्स उन्होंने दिए हुए हैं जो के सॉल्यूट्स की मूवमेंट के लिए हेल्प आउट करते हैं, या न्यूट्रिएंट, जैसे कि आपका टॉपिक है न्यूट्रिएंट अपटेक में, तो किस तरह से जो है किसी भी चीज़ के थ्रू जो है वो मूवमेंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो बेसिकली अगर आप मूवमेंट देखें या ट्रांसपोर्ट देखें तो वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ट्रांसपोर्ट के लिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूजेज जो है वो नहीं होता। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो कि सॉल्यूट की मूवमेंट में हेल्प आउट करें, कोई भी चीज़ हो सकती है, ग्रेडियंट हो सकता है, प्रोटीन कैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फर्दर टू टाइप्स की होती है, इसमें टू टू थिंग्स आ जाती हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट पैसिव का जिक्र नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम के अंदर उन्होंने दिखाया है कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और एक जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अगर आपको पूछा जाता है कि ये सिंपल और फैसिलिटेटेड किसकी टाइप है तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसिव के अंडर आती हैं और पैसिव में एनर्जी यूज नहीं होती और एक्टिव में एनर्जी जो है यूज होती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सबसे पहले यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन की बात की गई है कि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट को शो करती है एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ। डिफ्यूजन जो होती है वो बेसिकली होती है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। और सिंपल डिफ्यूजन जो है इसके अंदर यहाँ पर फिक्स लॉ बताया गया है और फिक्स लॉ की आपने सबसे पहले ये इक्वेशन जो है इसको याद करना है, F इज इक्वल टू पी ए सी नॉट माइनस सी आई। इस इक्वेशन के अंदर कौन सी चीज किस चीज के लिए स्टैंड करती है ये आपको करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर बताया गया है कि किस तरह से सॉल्यूट जो है वो क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को, कितने टाइम के अंदर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, परमीएबिलिटी कोफिशियंट जो है वो इसके अंदर क्या है। तो इन चीजों के बारे में आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी जस्ट इसकी ये इक्वेशन याद करोगे और उसके अलावा देन नेक्स्ट पे आ जाओगे कि जो मेम्ब्रेन होती है वो एज अ बैरियर काम करती है। तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो बैरियर के तौर पे काम करती है, जो चीजों को परमिट नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की, वो चीज है लिपिड बायलेयर। लिपिड जो होते हैं वो किसी भी चीज को फौरन से परमिट नहीं करते कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। कुछ सिलेक्टिव चीजें होती हैं जिनको लिपिड जो है वो अलाउ करते हैं और बाकी चीजों को वो अलाउ नहीं करते। जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये इजीली परमिट नहीं करते और जो नॉन आयनिक होते हैं उनको बहुत इजीली परमिट कर देते हैं। और इसकी रीजन है जो लिपिड की लेयर होती है उसकी अपनी चार्ज और उसकी हाई डिग्री हाइड्रेशन जो है, ये दोनों चीजें जो है वो रोकती हैं आयंस को लेयर के थ्रू दूसरी तरफ मूव करने में। मींस कि अगर आपको आता है कि व्हाई लिपिड बाय लेयर
इज इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द आयंस। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे कि द चार्ज प्रेजेंट इन द लिपिड बाय लेयर एंड इट्स हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, कि इसके अंदर जो वाटर कॉन्टेंट होता है और इसके अलावा जो इसकी खुद ये चार्ज होती है उसकी वजह से ये फर्दर किसी भी आयन को जो है वो लिपिड के बाय लेयर के थ्रू जो है वो परमिट होने नहीं देती, गुजरने नहीं देती। इवन स्मॉल आयंस जो होते हैं उनको भी पास आउट नहीं करने देती और वाटर को कंपैरेटिवली जो है वो पास आउट करने देती है। बाकी चीजों की निस्बत वाटर जो है वो इजीली पास आउट लेयर से कर सकता है। वाटर की पोलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन पोलर होने के बावजूद वाटर जो है वो इजीली पास आउट कर जाता है लेयर्स के थ्रू, और ये स्पेसिफिक रीजन की वजह से होता है जो कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ से आपने इसको करना है, इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो आपने इसको करना है कि अगर आपको आता है कि वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है, जब लिपिड बायलेयर बाकी पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से परमिट नहीं करती तो वाटर को क्यों करती है, तो उसकी रीजन ये है कि वाटर स्पेशल सिलेक्टिव चैनल्स के थ्रू मूव कर जाता है, जिन चैनल्स को कहा जाता है एक्वापोरिन्स। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्वापोरिन्स पे, डेट वाटर और एक्वापोरिन्स पे एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लिपिड लेयर्स जो है वो आइंस को मूव, पोलर आइंस को मूव नहीं करने देती और नॉन पोलर को इजिली मूव करने देती है, लेकिन वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है फिर भी उसको मूव करने देती है, और इसकी रीजन क्या है, तो उसकी रीजन है एक्वापोरिन्स। ये स्पेशल चैनल्स होते हैं जो कि पोलर होने के बावजूद वाटर को इजिली मूव आउट करने देते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन आपने पढ़ी, सिंपल डिफ्यूजन, ये बेसिकली एक पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए होती। इसके अंदर ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, के जहाँ से चीज हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव करती है, और ग्रेडियंट की वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी फॉर्म बताई गई है जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। पहले आपने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ी जिसमें एक जगह से दूसरी जगह जो चीज है वो मूव करती है, लिपिड बाय लेयर के बारे में उसके अंदर पढ़ा कि वो पोलर को परमिट नहीं करती और नॉन पोलर को परमिट कर देती है। एट दी एंड आपने एक्वापोरिन्स के बारे में पढ़ा और ये देखा कि जो सिंपल डिफ्यूजन है वो पैसिव प्रोसेस है और इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होती, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कि जहां पर सल्यूट जो है वो चार्ज हो या फिर जहां पर उनको मुश्किल हो रही हो वो इजीली क्रॉस ना करते हो, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है उनकी हेल्प आउट करते हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की डिफ्यूजन को जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट हो उसको कहा जाता है कि वो होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ख्याल रखा जाता है, और इसके अंदर भी ये चीज होती है कि ये भी बाई डायरेक्शनल होती है, मींस के इस चीज का जो है वो प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि अगर एक चीज आ रही है तो दूसरी जाए, अगर सल्यूट इन हो रहे हैं तो वो आउट भी हो रहे होते हैं एट अ टाइम, और दोनों साइड पे जो कंसंट्रेशन होती है सल्यूट की और सॉल्वेंट की उसको मेंटेन रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की टू मेजर क्लासेस हैं, पहली है कैरियर प्रोटीन्स, दूसरी है चैनल प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन्स जो भी सल्यूट ट्रांसपोर्ट होना होता है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, उसके साथ बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद उसको मूव कराने में हेल्प आउट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। इसमें आपने बस इसका इतना ही करना है। देन आ जाता है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली चार लाइन वाटर फिल्ड चैनल्स होते हैं। चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो गेटेड वे से मूव करते हैं, मींस के उनका गेट किसी टाइम ओपन होता है किसी टाइम क्लोज होता है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई भी सल्यूट या आयन जो है वो अपनी मर्जी से आए जाए, ये प्रॉपर टाइम पे ओपन और क्लोज होते हैं। ये जो गेट होते हैं ये टू टाइप्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गेट भी हो सकता है और इसके अलावा दूसरे गेट भी हो सकते हैं जो किसी आयन की वजह से ओपन हो। इलेक्ट्रिकल गेट जो होते हैं वो पोटेंशियल, जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है
या फिर ग्रेडियंट की वजह से ओपन क्लोज होते हैं, और जो दूसरे चैनल होते हैं वो किसी आयन की वजह से ऑन या ऑफ होते हैं, या फिर लाइट की किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से, लाइट की प्रेजेंस में, हॉर्मोन्स की प्रेजेंस में, या फिर कोई भी ऐसा स्टिमुलाई जो आउटसाइड से उनको मिलता है और गेट जो है वो ओपन हो जाता है। इसमें भी जस्ट आपने इनकी थोड़ी थोड़ी सा करना है, बाकी आपने छोड़ देना है। तो ये थी आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसके अंदर आपने ये देखा कि क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा टू टाइप्स की क्लासेस होती हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की, एक कैरियर प्रोटीन होती है, दूसरे चैनल प्रोटीन्स होते हैं। और चैनल प्रोटीन्स भी जो है वो गेटेड वे है आइंस के लिए मूव करने के लिए। गेट जो है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं और इसके अलावा किसी स्टिमुलस से ओपन होने वाले भी हो सकते हैं। तो इसमें भी आपने शॉर्ट शॉर्ट सा करना है। इसके अलावा एंडिंग पे आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके अंदर भी ग्रेडियंट जो है वो डिवेलप होता है और इसके अंदर सोल्यूट जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं एक जगह पर। और इसके अलावा ये यूनिडायरेक्शनल होती है। पीछे आपने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होती है कि इन भी हो रहे होते हैं, सोल्यूट्स आउट भी हो रहे होते हैं, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसके अंदर या तो इन हो रहे होते हैं और या फिर आउट हो रहे होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल सोल्यूट की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम है और सेल जो है उसके अंदर आपने सोल्यूट को लेके आना है, तो कम से ज्यादा में लेके आना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लेके आना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होगी क्योंकि उसके लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चीज को मूव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, मींस के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल शॉर्ट सा था, ये आपने करना है। और इसके अलावा आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें करनी है जो कि आपने अभी डिस्कस की।